हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी और इजी एग बिरयानी की रेसिपी। तो प्लीज़ रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चावल को बॉयल करूंगी, जिसके लिए मैंने पानी गर्म कर लिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, ज़ीरा और स्टारनीज। अब मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक जो है इसमें थोड़ा तेज़ डालते हैं चावल बॉयल करते हुए, क्योंकि हम पानी को जो है फेंक देते हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाला है कुकिंग ऑयल, और ये मैंने लिए हैं सेलर राइस, जिसको आधे घंटे पहले मैंने वॉश करके भिगोकर रख दिया था पानी में। तो राइस भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको 70% कुक होने तक ऐसे ही पकने दूंगी। तो राइस जो है हमारे 70% कुक हो गए हैं। अब मैं इसको पानी से अलग कर लूंगी और किसी बड़े बर्तन में इसको फैलाकर रख दूंगी। अब मैंने लिए हैं बॉईल करे हुए 6 अंडे, और इसको मैं अप्रिक करूंगी जिससे ये तेल में डालते ही फटे नहीं। अब मैं इसमें डालूंगी कुछ मसाले, जिसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। बस मसाले डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। अब मैंने एक कढ़ाई लेकर उसमें तेल को गरम कर लिया है, जिसमें मैं अंडों को फ्राई करूंगी। और गैस की फ्लेम को मैंने हाई कर लिया है, और अंडों को जब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए, या फिर 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसे फ्राई कर लेंगे। तो अंडे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अच्छा, अंडों को फ्राई करने के बाद मैंने इसी ऑयल में प्याज को भी फ्राई करके निकाल लिया था, और जिस तेल में हमने प्याज को ब्राउन करा था उसी में मैं डालूंगी थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला। खड़े गरम मसाले को 5 सेकंड के लिए सॉटे करूंगी, और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसको कुछ सेकेंड के लिए फिर से सॉटे करूंगी। और अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च और कुछ सूखे मसाले, जिसे मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला कम डाला है क्योंकि मैंने इसमें खड़ा गरम मसाला भी डाला था। और मैंने इसमें डाला है साथ में बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप बिरयानी मसाला नहीं डाल रहे हैं तो धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालें। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं कटे हुए टमाटर, और टमाटर को जब तक पकाऊंगी जब तक ये हल्के से गल नहीं जाए। तो टमाटर जो है वो गल गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी ब्राउन करी हुई प्याज। तो आधी प्याज मैं अभी डाल दूंगी और आधी प्याज मैं बाद में डालूंगी। तो मैंने इसमें आधी प्याज डाल दी है ब्राउन करी हुई, और अब मैं इसमें डालूंगी दही। और दही डालने के बाद इसको जल्दी से चलाना है जिससे दही जो है वो फटे नहीं। और अब मसाले को जब तक भूनना है जब तक मसाले से तेल एकदम अलग नहीं हो जाए। तो बिरयानी का मसाला जो है वो थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि बिरयानी जो है जूसी बनती है, और अगर कम मसाला रखते हैं तो बिरयानी ड्राई हो जाती है। अब मैंने इसमें डाले हैं कटे हुए आलू और फ्राई करे हुए अंडे। आलू को जो है वो आप अंडों के साथ फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट ऐसे भी बहुत अच्छा आता है। तो इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, और पानी ऐड करने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी और गैस की फ्लेम को कर दूँगी लो, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही कवर करके लो फ्लेम पर छोड़ दूँगी। दो से तीन मिनट हो गए हैं और ग्रेवी अच्छे से पक गई है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, पुदीना, और इसको कर लूंगी अच्छे से मिक्स। और अब मैं इस पर डाल दूंगी बॉईल करे हुए राइस, जिसको मैंने पानी से अलग करके बड़े बर्तन में फैलाकर रख दिया था। आप जो है चावल की तय भी लगा सकते हैं कि इसमें से हाफ ग्रेवी निकाल लें, फिर उसके पर राइस डालें, और उसके पर फिर वो जो बची हुई ग्रेवी है आपकी वो डालें, फिर ऊपर से राइस डालें और इसको इस तरीके से फैला दें। लेकिन ऐसे भी बनाएंगे आप तब भी मसाला जो है अच्छे से चावल में बैठ जाएगा। अब मैं इस पर डाल रही हूँ ज़ाफ़रान, जिसको मैंने दूध में भिगोकर थोड़ी देर पहले रख दिया था। और यह है फूड कलर, जिसको मैंने केवड़ा वाटर में मिला लिया है, वो भी मैं इस पर डाल दूँगी।
और अब मैं इस पर डालूंगी बची हुई ब्राउन अनियन। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना। बटर, आप बटर या देसी घी में से कुछ भी डाल सकते हैं, दोनों का ही टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं इसको कवर करूंगी और 10 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर इसको ऐसे ही कवर करके छोड़ दूंगी। बिरयानी को दम पर लगाने के 3-4 मिनट बाद मैंने इसके नीचे पैन लगा दिया था और फिर 6-7 मिनट बाद बिरयानी को गैस को बंद करके मैंने इसको ऐसे ही कवर रहने दिया था लगभग 10 मिनट के लिए। इस प्रोसेस को करने से बिरयानी बहुत ही खिली खिली बनती है। तो देखिए कितनी खिली खिली बिरयानी बनी है और चावल जो है बिल्कुल खिले खिले हैं। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।